गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम पतिलों के पुण्यतीय फलों के बारे में अध्ययन करेंगे और इसी का एक प्रश्न लेंगे। इफ टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई प्लस टेन वर्स जेड इक्वल टू पाई बाई टू, देन प्रूव दैट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू वन। ये हमें साबित करना है। तो चलिए यहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो लिख लीजिएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू पाई बाई टू। अब देखिए यहां से आपने टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का सूत्र ऑपरेट कर दीजिएगा और जो होता है टेन इनवर्स tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस x y z बटा वन माइनस x y माइनस y z माइनस z x और इक्वल टू पाई बाई टू। ये हमारा सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस x y z डिवाइडेड बाय 1 माइनस x y माइनस y z माइनस z x और बराबर में पाई। अब यहां से अपन tan इनवर्स का ट्रांसफर कर दें तो ये हो जाएगा आपका x प्लस y प्लस z माइनस x y z डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एस इक्वल टू टेन पाई बाई टू। अब टेन पाई बाई टू की जो वैल्यू है वो कितनी होती है? तो टेन पाई बाई टू की वैल्यू अपन यहां से लें तो टेन पाई बाई टू की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहां से टेन पाई बाई टू की वैल्यू अपन रखें इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एस इक्वल टू इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट को मैं एक बटा जीरो लिखूंगा, ए परिभाषित होता है। तो ये हो गया आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस x y z divided by 1 minus x y minus y z minus z और equals to 1 by 0। और अब यहां से वजन गुणा कर दें, यानी कि अंश को तो हर से मल्टीप्लाई कर दें और हर को अंश से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहां से ये हो जाएगा आपका 1 minus एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू जीरो। और अगर मैं इन तीनों का पक्षांतर कर दूं तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू वन। तो यही हमें सिद्ध करना है। तो ये था आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर पाई बाई टू का सॉल्यूशन। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें आप डायरेक्ट यही फॉर्मूला ऑपरेट करेंगे और इस प्रकार से ये सिद्ध हो जाएगा।